Today we are going to read a story named A Bad Bat, written by Dick King Smith. Now we will read the fact file for Sophie. She is a character in a story book written by Dick King Smith. Sophie is a main character in this story. Fact file. This is a fact file of Sophie. What do you mean by fact file? Fact file tells about everything of a person. Okay. Name Sophie. Age 4 to 5 years old. Birthday 25th December. Family: Mom, Dad, and twin brothers Mark and Matthew. Personality: stubborn but funny. Stubborn means Richards, यानी के उर्दू में जिसको कहते हैं जिद्दी. Likes to wear a jumper with her name on it, jeans and red boots, messy hair यानी के untidy hair, बिखरे हुए बाल. Likes animals, wants to be. Okay, student. This is your homework. Write a character fact file like Sophie for yourself. Use the same headings. You will use the same headings and name and complete your fact file for yourself. Now we will read the story. A Bad Bat. Sophie was walking round the garden wearing a pair of her mother's very old sunglasses. कि सोफी जो क्या है अपनी माँ के बहुत पुराने ग्लासेस सन ग्लासेस यानी धूप में पहनने वाले जो थे ऐनक वो पहनकर बाग में घूम रही थी. They made Sophie looks like a panda. सोफी उनमें बिल्कुल पांडा की तरह दिखाई दे रही थी. They made pink flowers look red and yellow flowers look golden. उनमें जो थे पिंक कलर के फ्लावर्स वो उसको रेड दिखाई दे रहे थे और येलो कलर के फ्लावर गोल्डन दिखाई दे रहे थे. एंड कैबेज लुक ब्लू और जो कैबेज थी बंद गोभी वो उसको ब्लू दिखाई दे रही थी. सेकेंड पैराग्राफ. सोफी वॉक्ड अलोंग द पाथ दैट रैन अलोंग द फ्रंट ऑफ द हाउस एंड पीयर्ड इन थ्रू द डाइनिंग रूम विंडो. सोफी घर के सामने एक रास्ते पर चली और उसने डाइनिंग रूम की खिड़की से अंदर झांका. इनसाइड अंदर एवरीथिंग हर चीज लुक्ड वेरी डार्क. अंदर क्या थी हर चीज जो थी वो क्या थी बहुत ज़्यादा डार्क थी यानी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. बट वट एवर इन द वर्ल्ड वॉज दैट लॉन्ग शाउडी थिंग लाइंग ऑन द फ्लोर. लेकिन उस दुनिया में एक लंबा साया फर्श पर लेटा हुआ था यानी उस अंधेरे में उसने एक देखा कि एक लंबा सा साया जमीन पर लेटा हुआ है. इन द डाइनिंग रूम सोफी फादर्स ले फ्लैट ऑन द हार्ड वुडन ब्लॉक फ्लोर. डाइनिंग रूम में सोफी का बाप लकड़ी के बने हुए सख्त फर्श पर सीधा लेटा हुआ था. His arms by his side और उसके बाजू दोनों तरफ थे and stared gloomily at the ceiling और वो दासी से छत को घूर रहे था यानी उसका बाप दासी से छत की तरफ घूर रहा था. सोफी peered round the door. सोफी ने दरवाजे से झांका. Daddy, she said, उसने कहा. Daddy, Yes, उसको जवाब मिला. Yes, are you all right? क्या आप ठीक हैं? No, उसके बाप ने कहा नहीं. What's the matter? क्या मामला है?
My back hurts. कि मेरी कमर में दर्द है. I'm not surprised, said Sophie. सोफ़ी ने कहा कि मैं हैरान नहीं हूँ. Lying on that hard old floor, if you wanted to have a rest. उसने कहा कि आप सख्त पुराने फर्श पर लेटे रहो अगर आप आराम चाहते हो. Why didn't you go to bed? आप अपने बिस्तर पर क्यों नहीं गए? सोफ़ी फादर साइड. 5. It's not because I'm lying on the floor that my back hurts, he said. It's because my back hurts that I'm lying on the floor, oh, said Sophie. उसका बाप सोफ़ी से कहता है कि इसलिए नहीं कि फर्श पर लेटे रहने से मेरे कमर में दर्द है. उसने कहा कि मेरी कमर में दर्द है जिसकी वजह से मैं फर्श पर लेटा हूँ. ओ सेड सोफ़ी. सोफ़ी ने कहा ओ. नंबर 6. सोफ़ी लेट डाउन बिसाइड हर फादर, हर आर्म्स बाय हर साइड एंड स्टेयर थॉटफुली एट द सीलिंग. सोफ़ी जो है वो अपने बाप के पास लेट गई और बड़ी गहरी सोच के साथ छत को देखने लगी. वुड यू लाइक टू प्ले अ गेम, शी सेड. उसने फिर अपने बाप से कहा क्या आप मेरे साथ कोई खेल खेलना पसंद करेंगे? शी सेड वी कैन प्ले आई स्पाई, यू विल ओनली नीड टू मूव योर आइज, दैट वुडंट हर्ट योर बैक. उसने कहा कि हम ऐसा खेल खेलेंगे आई स्पाई जिसमें सिर्फ आपको अपनी आइज जो है उनको मूव करना होगा, दैट वुडंट हर्ट योर बैक, और ये अपनी आपकी इससे कमर दर्द भी नहीं होगी. ऑल राइट, उसके बाप ने कहा ठीक है. सेड हर फादर, उसके बाप ने कहा यू स्टार्ट, तुम शुरू करो. दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स. सोफ़ी थिंक्स ऑफ मोर एंड मोर गेम्स टू प्ले विद हर फादर. सोफ़ी अपने बाप के साथ मुख्तलिफ खेल खेलने के बारे में सोचती है. फादर गेट्स फेड अप एंड गेट्स अप टू एस्केप सोफ़ी. बाप जो है वो तंग आ जाता है और सोफ़ी से बचने के लिए वो उठ खड़ा होता है. द डॉक्टर कम्स टू द हाउस एंड टेल्स हिम टू लाई डाउन अगेन ऑन द हार्ड फ्लोर. डॉक्टर जो है वो उसके घर आता है और उसको दोबारा सख्त फर्श पर लेटने को कहा. सोफ़ी इज प्लीज्ड, सोफ़ी बहुत खुश हुई. एंड थिंग्स ऑफ मोर गेम्स, और दूसरी खेलों के बारे में सोचने लगी. गाइस, देयर आर वर्ड्स एंड मीनिंग्स. फर्स्ट वर्ड इज स्टबन, रिजिड यानी कि जिद्दी, मैसी अनटाइटी, पियर्ड टू लुक सीक्रेटली, स्टेयर टू गेज, प्लीज्ड हैप्पी, ग्लूमिली सैडनेस. एंड देयर आर क्वेश्चन आंसर्स. वेयर इज सोफ़ी वॉकिंग एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी. सोफ़ी वॉज वॉकिंग राउंड द गार्डन. क्वेश्चन नंबर 2. वट इज फनी अबाउट द क्लासेस शी इज वेयरिंग. दे मेड सोफ़ी लुक लाइक अ पांडा. दे मेड पिंक फ्लावर्स लुक रेड, येलो फ्लावर लुक गोल्डन एंड कैबेज लुक ब्लू. नंबर 3. हु इज लाइंग ऑन द फ्लोर इन द डाइनिंग रूम. सोफ़ीज फादर इज लाइंग ऑन द फ्लोर इन द डाइनिंग रूम. नंबर 4. वट गेम डू सोफ़ी एंड हर फादर डिसाइड टू प्ले. दे डिसाइडेड टू प्ले द आई स्पाई गेम. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.